सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ खुद आप बहुत बड़े फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट हैं आप, एंड यू जस्ट टर्न 52. यस, आई हैव जस्ट टर्न 52, आई एम ऑन माय 53 वे. सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो मतलब बिल्कुल रिलीजियसली आप फॉलो करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, बीसीए, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये पता नहीं क्यों लेते हैं. They are becoming a product of a product and they are not being themselves. घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही लस्सी रोटी ये सब चीज़ें भूल गए हैं. वो एक और क्या होता है, उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग, एंड देन दैट दे थिंक इज द राइट वे. But they forget there is lots of other problem which are attached to it. There's no shortcut. Everything you have to go through hard work. If you're put on weight in a proper time, you have to lose weight also in that proper space. You cannot do it. So I would like, I mean, say that is one thing which I want to emphasize a lot in my country, because. मेरी इंडस्ट्री के भी कई लोग हैं जो इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें देखा देखी कई लोग और जुड़ जाते हैं, कई स्पोर्ट्समैन भी हैं जो करते हैं ये काम, एंड दे थिंक इट्स द राइट वे एंड द राइट थिंग. बट आई बिलीव व्हाई बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर मदर एंड मदर नेचर. एंड सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आपने अपनी फैमिली को भी उतना ही डिसिप्लिन्ड और फिटनेस में इंटरेस्टेड रखा है. आप अक्सर बच्चों के वीडियोस डालते हैं. आरव के साथ आपने अभी रिसेंटली कहा कि आप इकट्ठे वर्कआउट करते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए. सी, मैंने आई हैव नेवर पोस्ट हेल्थ और वर्कआउट टू एनी वन. मैं कभी पोस्ट नहीं करता. आई कैन ओनली टेल माई सन, आई कैन टेल माई डॉटर अबाउट इट, आई कैन टेल माई वाइफ अबाउट इट, बट नेवर पोस्ट देम. बिकॉज एक्सरसाइज जो होती है वो फोर्स करके नहीं हो सकती है. यू कैन ओनली टॉक अबाउट इट, इट कम्स फ्रॉम योर इनर फीलिंग. अगर अंदर से अंदरूनी खुशी है आपको करने के लिए, तो आपका जो एक्सरसाइज, जो आप एक घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपको तीन घंटे वाली एक्सरसाइज लगेगी, और यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट मच मच फास्टर. सो देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इट. सो नेवर टू फोर्स एनीबडी टू गेट इनटू वर्कआउट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मेरे जो, मैं अपने बच्चों के साथ जो बात करता हूँ बहुत ही लीनियंटली बात करता हूँ, बेटा कर ले, अगर मज़ा आएगा तेरे को करने में, इट इज़ सो मच फन, सी कम एंड बी विद मी. एंड ही कम्स एंड सीज मी वर्किंग आउट, सो ही ऑल्सो फील्स लाइक डूइंग अ पुश अप और अ पुल अप. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज फिनिश्ड बीइंग अ ब्लैक बेल्ट. एंड तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही है, कभी उसका मन करता तो आ जाता है करने, वैसे मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थ्वार्ट करने में, लेकिन डाइट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई ऐसी मस्ट हैव फूड आइटम्स हैं जो अक्षय कुमार को डेली लेने ही होते हैं? नहीं, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ. मैं आई ईट एवरी काइंड ऑफ कार्ब्स ऑल्सो, फैट्स ऑल्सो, आई ईट प्रोटीन ऑल्सो, सो सब कुछ खाता पीता हूँ. आप कुछ ऐसा रिकमेंड करेंगे जैसे जो डेली कोई, जैसे मैं एक यंग एथलीट या यंग इंडियन हूँ, मेरे को अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, जो आप सजेस्ट कर सके कि मैं, कभी बॉडी ठीक, मैं आपको बताऊं, कभी कभी कोई ऐसी जगहों पे मैं शूट करता हूं जहां खाने को चीज़ नहीं मिलती है, तो मैं सबसे बढ़िया काम है केले खा लो, चार या पांच या छह केले खा लो. सबसे सेफेस्ट फ्रूट है, छील के ऊपर का थोड़ा हिस्सा निकाल के केले खा लो. बेस्ट फूड एंड द बेस्ट थिंग टू ईट फॉर योर बॉडी. पेट भी भर जाता है and you have not eaten rubbish also. Yes, diet is very important, very important. Another thing which is important is never to eat after sunset. That is one formula which I have tried to follow all my life. Kabhi kabhi ho jata hai, aisa nahi kehta hu ki I'm perfect, but kabhi kabhi ho jata hai, but I try and maximum follow that. And that I would say if hamara jo Hindustan ka jo health card hai wo bahut kharab hai. अगर लोग सिर्फ इतना ही फॉलो कर लें, एक्सरसाइज तो जब मन करेगा करें, वॉक जब मन करेगा करें, सिर्फ इतना फॉलो कर लें कि सूर्य ढलने से पहले अपना अन्न खा लें जो खाना है, उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि हमारे शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो अगला खाना चाहिए वो आपको सुबह 6 बजे चाहिए या ब्रेकफास्ट के वक्त चाहिए, बस उसके बाद आप जो खाना खाएँ. आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है,
आपको जो खाने का मन कर रहा है, 10 परांठे खाने का मन कर रहा है, खाइए, लेकिन 6:30 बजे के बाद मत खाइए। और आप पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, आपको ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि एक फ्यूचर जिसमें एक फिटर इंडिया कामयाब, हम उस फ्यूचर तक हम जा सकें? कितना इम्पोर्टेंट है फिट इंडिया मूवमेंट जैसे एक इनिशिएटिव है जो आज तक वैसे अभी तक हमने लिया नहीं था, लेकिन वी वांट टू अचीव अ फिटर इंडिया, तो आपको ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट यार, फिट तो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। वी हैव टू बी फिट, चाहे आप स्पोर्ट्स के एडिटर हो, उसको भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी कि सिर्फ उसको लिखना ही है, चाहे आप कुछ भी हो, यू हैव टू बी फिट, चाहे आप पॉलिटिशियंस हो। Nowadays तो अभी से द प्राइम मिनिस्टर सब पॉलिटिशियंस को भी पकड़ के बोलते हैं, बेटे तू तेरे को योगा करना है, तेरे को मैं आपको करना है, सबको मतलब फिट होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ बिग मूवमेंट इन आर कंट्री एंड दिस मूवमेंट शुड कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हमारा हेल्थ कार्ड बहुत ख़राब है, इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि फेलियर से कैसे उभरना है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, जो वर्ल्ड इवेंट में मेडल्स ला रहे हैं, पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन है, अब जो नेक्स्ट ओलंपिक्स में आपको लगता है कौन सबसे आपको फेवरेट लगता है कि कोई मेडल लाएगा हमारे लिए गोल्ड मेडल से? यू नेवर नो हु कैन कम इन, ऐसा तो मैं अगर पिन पॉइंट करूँ तो दैट विल बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट, बट दे ऑल बीन प्रैक्टिसिंग एंड दिस ओलंपिक इज गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। It'll be much better than how we have performed earlier. Yeah. Thank you so much, Akshay. Thank you very much.